कर रहे हैं, शुरू करें। देखो अपने हिंदी कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कोशिश करूंगा अच्छी से अच्छी आपकी हिंदी करूं, ठीक है। थोड़ा सा आप सहयोग करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक नंबर में अपन टॉपिक लेते हैं जिससे प्रश्न पक्का आता है और वो है शब्द शुद्धि, ठीक है। इससे एक बार मालूम भी पड़ जाता है कि आपके पास हिंदी से संबंधित कितनी जानकारी है। और सीधा सा है, कोई नियम नहीं, कोई सूत्र नहीं, थोड़ी बात देखनी पड़ती है। और कई बार शब्द तो आसान होता है मगर लगातार गलत उच्चारण के कारण, गलत देखने के कारण उसको अशुद्ध लिख लेते हैं। जैसे ध्यान देना, एक शब्द आता है आपके ऐसा मिष्ठान और एक आता है ऐसा मिष्टान, कौन सा शुद्ध है? ऊपर वाला है नीचे वाला? बताओ ऊपर वाले कितने विद्यार्थी हैं और नीचे वाला? ये दोनों गलत है, है ना। इसलिए बड़े आराम से देखना, ये ऐसा है मिष्टान। जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया ना वो बढ़िया लड़के हैं, उन्होंने एकदम से मिष्टान। तो सबसे पहले ये शब्द देखना, ये शब्द है मिष्टान है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं ना तो ऐसा होता है मिष्ट प्लस अन्न, है ना। दीर्घ संधि है, मिष्ट में अ है, आगे भी अ है, अ और अ मिलके आ हो गया, शुद्ध शब्द ऐसा है। मगर ऐसा कहीं मिष्टान देखा नहीं, मिष्टान वो शुद्ध होता ही नहीं है ना, इसलिए ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। मगर आपकी वर्तनी माए तो नंबर एक इसको करना, ठीक है। नंबर दो, एक आपने शब्द देखा होता है ऐसा आता है स्वादिष्ट और एक आता है स्वादिष्ट, कौन सा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? बताओ कितने विद्यार्थी ऊपर वाले को सही बता रहे हैं? डरते डरते बता रहे हैं ना, शाबाश। नीचे वाले को ये भी, अब तो इसमें गलत है, दूसरा सही है। तो ये साथ साथ लिखते जाओ, स्वादिष्ट होता है। मगर क्या मुंह को ढीला कर देते हैं, स्वादिष्ट से काम चला लेते हैं, ये गलत है। तो ये भी बार बार आता, नोट करते रहना। ये घूम फिर के 50-100 शब्द होते हैं, वही आते हैं स्वादिष्ट है, ठीक है। स्वाद में इष्ट प्रत्यय, स्वादिष्ट शब्द है। हटा दूं बड़ी इसको, आराम से सुनाई दे रहा है मेरे को, ठीक है, लिखवा दूंगा। ऐसा आता है, एक तो आता है बारात और एक आता है बारात, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। बताओ दो नंबर कितने हैं? सब गलत, है ना। बारात हल्की हल्की बारात है ना, इसको ज्यादा मत करना, बारात बारात करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं, आराम से है ना बारात कर देना। एक आपके इसी प्रकार शब्द आता है बहन और एक आता है बही। अब बताओ कोई है बहन वाला कि बहन सही है? जो भी है ना वो सही है, बहन सही है। दो चार हाथ खड़े हुए, बिल्कुल सही बताया, दो तीन है, डरते डरते किए तो है, बिल्कुल सही है। एक ऐसे देखो प्रश्न आता है, एक तो छ और एक आता है छ, क्या करोगे? एक नंबर वाले, एक नंबर वाले, दो नंबर वाले, दोनों हो नहीं सकते, दो नंबर सही है, छ पूरा है। मगर आपकी भी गलती नहीं, ऐसा ही लिखा होता ना तो आप समझ लेते कि सही है, अब मत करना। एक शब्द आता देखो, ये तो कर लोगे, कर्ता और एक ऐसा कर्ता, अब इसमें कौन सा? एक या दो? दो वाले कितने हैं? दो वाले, गजब तरीका, बिल्कुल सही बताया, दो तो गलत है और एक सही है। इसमें भी कोई टाइम नहीं लगता है, आराम से कर्ता। अब आप कहोगे किताबों में ऐसा देखा है, तो किताबों में हो सकता है, वो काफ़ी गलत है, याद रखना आराम से है ना कर्ता, इसको भी ज़बरदस्ती। परंतु ध्यान देना, अगर कर्तव्य आए और ऐसा कर्तव्य आए, इसमें क्या करोगे? अब एक नंबर कितने हैं? एक कोई नहीं है, दो नंबर, अब फिर दो नंबर गलत कर रहे हो, अरे अरे क्या कर रहे हैं। अब आपको काफ़ी टाइम लगेगा हिंदी करने में ना। ये देखो, ये ध्यान देना, सीधा सा शब्द है कर्तव्य, क्री धातु होती है एक संस्कृत की और उसमें तव्य प्रत्यय होता है, तो शब्द बन गया कर्तव्य। इसी प्रकार ये कर्ता है ना, संस्कृत की एक धातु होती क्री और उसमें ता प्रत्यय होता, कौन सा प्रत्यय? ता। तो पूछ ले कर्ता में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या बताओगे? ता। कर्तव्य में तव्य प्रत्यय, लिख लिया ऊपर वालों ने, लिख लिया। कई बार जो सामान्य ज्ञान उसमें भी आपके ऐसा किया होगा, एक तो आता है त्योहार और एक है, आराम से एक नंबर, बहुत बढ़िया सही है, एक त्योहार ही है,
ये बार बार आता है, ये तो आपके कई प्रचलित शब्द हो गया इसलिए कोई तकलीफ नहीं। त्यौहार, इसको भी क्या हमारे गलत उच्चारण के कारण अपन सोचते हैं त्यौहार त्यौहार करते ना, तो ऐसा इतना नहीं, हल्का सा त्यौहार। अब बताओ देश के लिए क्या होना चाहोगे? एक तो ये न्योछावर है, एक थोड़ा न्योछावर है, एक देश के लिए न्योछावर है, एक और है अभी क्या हो रहा है, न्योछावर। क्या होना चाहते हो? एक नंबर, हाँ एक सही है।